हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस। मैं हूं सुनील कुमार। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये मैथमेटिक्स का कोई वीडियो नहीं है, बल्कि आप सभी के प्यार से मुझे यूट्यूब की तरफ से, गूगल एडसेंस की तरफ से एक अचीवमेंट प्राप्त हुआ है और उसी को मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप ये देख रहे हैं, मेरे हाथ में एक पोस्ट कार्ड है जो गूगल एडसेंस से मुझे मिला है। फ्रेंड्स, ये कार्ड क्यों मिलता है, कैसे मिलता है और इसका क्या काम है, मैं आप सभी को आज बताना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स, जब YouTube चैनल क्रिएट किया जाता है तो क्रिएट करने के बाद उसमें मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए और 4000 वॉच टाइम होना चाहिए। अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। चैनल जब मोनेटाइज हो जाता है तो मोनेटाइज होने के बाद उसमें YouTube जो है वो ऐड चलाना शुरू करता है। आप कोई भी वीडियो देखते होंगे तो देखते होंगे कि वहाँ पर कुछ ऐड आता है, तो वो जो ऐड का पैसा आता है उस पैसे को कुछ YouTube भी रखता है और कुछ यूट्यूबर को भी देता है। तो यूट्यूबर को ये पैसा जो है वो एक गूगल एडसेंस अकाउंट में आता है, एक गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन करना पड़ता है, उस अकाउंट में आता है। और जब मिनिमम $10 गूगल एडसेंस अकाउंट में हो जाता है तो एक एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। और एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए जब अप्लाई हो जाता है तो गूगल जो है एडसेंस, गूगल एडसेंस इस तरीके का एक पोस्ट कार्ड भेजता है जिसमें से एक पिन होता है। उस पिन को फिर यूट्यूब गूगल एडसेंस अकाउंट में डाल करके वेरीफाई करना पड़ता है। तो आज मैं इस अकाउंट, गूगल एडसेंस अकाउंट को वेरीफाई करता हूँ आप सभी के सामने। देखिए ये क्या है। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि रिमूव साइड एज फर्स्ट, तो ये जो है वो यहाँ से इसको फाड़ करके और इसमें जो पिन होगा उसको निकालना पड़ता है। तो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, चारों साइड से इसको हटाना रहता है। तो इसको रिमूव मैं कर रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि इसके अंदर कौन सा पिन है। मैं आप सभी को भी दिखा रहा हूँ ये पिन और इस पिन का क्या काम है, कैसे वेरीफाई करते हैं। तो ये हो गया, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो है वो एक पिन आ चुका है और इस पिन को अब अकाउंट में, गूगल एडसेंस अकाउंट में डालना होता है और इसी को वेरीफाई करना होता है। तो कैसे इसको वेरीफाई करते हैं, चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैं गूगल एडसेंस अकाउंट खोल चुका हूँ। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मैं लॉगिन कर चुका हूँ और सबसे ऊपर में है यू हैव लेस देन 1 month टू वेरीफाई योर पिन, अदरवाइज योर एड यूनिट विल स्टॉप डिस्प्लेइंग एड्स। तो ये एक्चुअली मुझे कुछ दिन पहले ही मिल चुका था और मैं अभी तक वेरीफाई नहीं किया हूँ, तो इसीलिए ये लिख रहा है, आगे लिख रहा है कि योर पेमेंट आर करंटली ऑन होल्ड बिकॉज यू हैव नॉट वेरीफाइड योर एड्रेस। तो मैं अभी तक एड्रेस को वेरीफाई नहीं किया हूँ इसीलिए ये लिख रहा है। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो एक्शन है उस एक्शन पर जाना होता है। एक्शन पर जाने के बाद एक पिन वेरीफिकेशन के लिए एक कॉलम आता है, ये अभी खुल रहा है, आप देखिए मैं यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ नोट दैट इफ़ योर पिन इज इंटर्ड इनकरेक्ट 3 times एड सर्विंग विल बी सस्पेंडेड। तो 3 times से ज़्यादा इसको इनकरेक्ट नहीं कर सकते, 3 times से ज़्यादा अगर इनकरेक्ट डाल दिए तो ये सस्पेंड कर देगा। तो यहाँ पर इंटर योर पिन लिखा हुआ है। इसको पिन वेरीफाई करने के लिए एक और तरीका हो सकता है यहाँ पर, तो अकाउंट में आप जाएंगे, अकाउंट में आप जाते हैं तो यहाँ पर जो आएगा वेरीफाई एड्रेस, वेरीफाई एड्रेस करना होता है और इस वेरीफाई एड्रेस में भी यहाँ पर आता है इंटर योर पिन। तो मैं अपना पिन यहाँ पर इंटर करता हूँ, ये है, मैं अपना पिन इंटर कर दिया हूँ। फिर से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 410134। तो ये पिन मैं बता दे रहा हूँ लेकिन ये यूनिक पिन होता है। आप अगर अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में डालते हैं तो वो वेरीफाई नहीं होगा, वो सिर्फ मेरे लिए है और सिर्फ एक चैनल के लिए एक होता है। मैं अब इसको सबमिट पिन करता हूँ, तो सबमिट करने के बाद ये वेरीफाई हो जाएगा और ये कंप्लीट हो गया। तो अब कुछ देर के बाद या कुछ समय के बाद ये चीज़ हट जाएगा, योर पेमेंट आर करंट ऑन होल्ड बिकॉज यू हैव नॉट वेरीफाइड, तो ये हट जाएगा और ये वेरीफिकेशन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये जो कार्ड मिला था मुझे आप सभी के प्यार से ही मिला है और आप सभी के प्यार से ही कुछ यूट्यूब की तरफ से मुझे पैसा मिलने वाला है। अभी तक मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला है गूगल एडसेंस की तरफ से। तो आप मुझे इसी तरीके का प्यार देते रहें और मेरा वीडियो इसी तरीके से आप देखते रहें तो ज़रूर मुझे YouTube की तरफ से कुछ पैसा भी मिलेगा और जब पैसा मिलेगा तो मुझे एनर्जी भी मिलेगी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मैथमेटिक्स का बनाऊंगा और आप सभी के साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।